नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। भारत अपने अलग अलग तरीके के व्यंजनों के लिए जाना जाता है, जहां कई ऐसी डिश बनती हैं जो बाकी दुनिया में देखने सुनने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ खाना केवल मसालों से नहीं बल्कि काफी ज्यादा आशाओं और भावनाओं के साथ भी बनाया जाता है। ये देश की संस्कृति को भी दर्शाता है। लेकिन बीते कई दिनों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी दुकानों या फिर सड़कों पर रेड़ियां लगाकर लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। इस तरीके के मामले सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के सभी ढाबों रेस्टोरेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसका पालन अब सभी ढाबों रेस्टोरेंट्स के मालिकों को करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन जो पार्टियां सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठा रही हैं, क्या उनको पता है कि सीएम योगी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो पहले नियम में ना लिखा गया हो? जी हाँ, जो फैसला सीएम योगी ने लिया उसका प्रमाण कांग्रेस के समय पर बने अधिनियम में भी है। देखिए ये रिपोर्ट। मिलावट के दौर में शुद्ध खान पान की उपलब्धता चुनौती बनी हुई है। मंदिर का प्रसाद हो या फिर अन्य खाद्य पदार्थ, हर जगह खाद्य मानकों से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अब सामाजिक और मानसिक विकृति भी नया स्वरूप देखने लगी है। इसमें मानव अपशिष्ट मिलाने के भी वीडियो सामने आए हैं। ऐसे में योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी के लोगों को सेहत से जुड़े इस मसले पर नई उम्मीद जरूर जगी है। उधर ढाबों रेस्टोरेंट के नेम प्लेट लगाने पर सियासत गर्म हो गई है। ये हाल तब है जब इसका प्रावधान पहले से है। जी हाँ, कांग्रेस सरकार में ये नियम बन चुका है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों को 5 अगस्त 2011 में लागू किया गया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अधिनियम के मुताबिक अगर दुकानदार के पास फूड लाइसेंस नहीं है, वो सामान बेच रहा है, तो उस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बिना पंजीकरण के खान पान का सामान बेचने वालों के खिलाफ 2 लाख का जुर्माना लग सकता है। अधिनियम में फूड लाइसेंस और पंजीकरण को दुकान के सामने डिस्प्ले करना भी जरूरी है। डिस्प्ले नहीं मिलने पर सूरत में 2 बार नोटिस के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें साल में 12 लाख से अधिक टर्नओवर करने वालों को फूड लाइसेंस अनिवार्य है। इससे कम टर्नओवर वालों को यानी रिटेल कारोबारियों को पंजीकरण कराना होता है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमजन की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया। इसमें प्रदेश के सभी होटलों ढाबों रेस्टोरेंट्स में गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करने का फरमान सुनाया गया है। साथ ही खाने की चीजों की शुद्धता कायम रखने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव करने को कहा गया है। इसके अलावा खान पान केंद्रों पर संचालक प्रबंधक का नाम और पता डिस्प्ले करना जरूरी है। यही नहीं, पूरे रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। कर्मचारियों को मास्क ग्लव्स पहनना भी जरूरी होगा। सीएम योगी का यह आदेश ऐसे समय में आया जब कड़ाई से अगर ये लागू हो जाए तो काफी हद तक आमजन के खान पान से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दरअसल देखा जाए तो यूपी सरकार के ज्यादातर फैसले जिस तरीके से आ रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान इससे मिलते जुलते आदेश पर काफी हंगामा हुआ। इस तरीके से योगी सरकार के बुलडोजर न्याय पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी। अब योगी सरकार के इस आदेश का विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे अल्पसंख्यकों की दुकान को बंद करवाने के लिए तुगलकी आदेश करार दिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानों में भी वही नियम है जो सीएम योगी ने बनाए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।